अब हम साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग के लिए हम पहले यहाँ आलपिन लगा देंगे। यहाँ इसमें देखो हमें यहाँ आई करनी है। वी हैव टू डू आई हियर। आई यहाँ होगी और हुक यहाँ होगा। हुक एंड आई प्रॉपर हमारा बैक और फ्रंट एकदम लेवल में आएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले तो कटिंग में सही करी प्लस स्टिचिंग में भी सही करी है। अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो अपर चेस्ट इज 40 एंड चेस्ट इज 43। अपर चेस्ट आएगा यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 2, 20 इंचेस प्लस हाफ इंचेस लूजिंग। वेस्ट इज 34, सो 34 डिवाइड बाय 2, 17 प्लस नो लूजिंग। कोई भी लूजिंग इसमें नहीं रहेगी। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैप था। यहाँ 40 इंच है अपर चेस्ट और वेस्ट 34 है, फिर भी हमारा जो मार्जिन है बिल्कुल लेवल में आ रहा है, क्योंकि हमने वेस्ट के अकॉर्डिंग डार्ट लगाया और मार्जिन भी प्रॉपर इन लेवल, बिकॉज वी हैड स्टिच्ड द डार्ट प्रॉपरली। अभी दोनों को हम स्ट्रेट मिला लेंगे। इस तरह हमारा मार्जिन जो है एकदम लेवल में आया। चेस्ट और वेस्ट में कितना, अपर चेस्ट और वेस्ट में, चेस्ट तो 43 है, चेस्ट इज 43, अपर चेस्ट इज 40, वेस्ट इज 34। वेस्ट 34 है और चेस्ट 43 है, टोटल 9 इंच का डिफरेंस। फिर भी यहाँ पे कितने परफेक्टली यहाँ पे 17 इंच आ गया, प्लस हमारा साइड में मार्जिन रह गया। और यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो हमारा बैक और फ्रंट मिला के 43 हो जाएगा। बट अभी हमारा चेस्ट सिर्फ फ्रंट में बढ़ा हुआ है, बैक अपर चेस्ट से है, इसलिए हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमें हमेशा हमारा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो यहाँ अपर चेस्ट है 20, 40 डिवाइड बाय 2, 20, 43 चेस्ट जो कि हमें मार्किंग नहीं करना, और वेस्ट 34। सो टोटल 9 इंच का गैप है यहाँ पे अपर चेस्ट और सॉरी चेस्ट और वेस्ट में टोटल 9 इंच का गैप है, फिर भी यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। यानी कि कोई भी साइज आप इस मेथड से करो तो सही ही होगा। स्लीव्स राउंड इज 13 है शायद स्लीव राउंड, तो मैं अभी 13 के अकॉर्डिंग मार्क कर। आर्मोल दोनों मैच करेंगे। ध्यान रखिए कि आपकी स्टिच कभी भी आर्मोल में से अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर ही होनी चाहिए। तो देखो हमारी वेस्ट 17 आ गई और अपर चेस्ट 40 और चेस्ट अगर हम मेजर करेंगे तो 43 आएगी प्रॉपर। तो हमारा आर्म होल भी परफेक्ट मैच हो गया है। यहाँ से आर्म होल का मार्जिन ऊपर के साइड जाना चाहिए। कॉलर भी फिनिश्ड हो गया, यहाँ कुछ भी हमारा दिख नहीं रहा एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन का।